इटावा में सर्वप्रिय समाज पार्टी का चुनावी संग्राम शुरू। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का सम्मान समारोह किया गया। इटावा में आज सर्वप्रिय समाज पार्टी का चुनावी संग्राम शुरू हो गया, जहां 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ सदर विधानसभा के नवनिर्वाचित 100 से ज्यादा ग्राम प्रधानों को सदर विधानसभा 200 से प्रत्याशी भाई राम कुमार राजपूत ने स्मृति चिन्ह व बैच लगाकर फूलमालाओं से सम्मानित किया। मौके पर सर्वप्रिय समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि रवि सक्सेना अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ जय पैलेस गेस्ट हाउस पहुंचे और नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से मुलाकात की। आने वाले विधानसभा चुनाव में राम कुमार राजपूत को भारी बहुमत से जीत दिलाने की रणनीति बनाई गई। इटावा सदर विधानसभा 200 क्षेत्र से में राजपूतों का गढ़ माना जाता है, जो सदर विधानसभा सीट जीत दिलाती है। और सदर विधानसभा में राम कुमार राजपूत प्रत्याशी उतरने पर क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों के हाथ पैर फूल गए। क्षेत्र की जनता ने भाई राम कुमार राजपूत को भारी बहुमत से जीत दिलाने का दावा किया है। राजपूत समाज को टिकट मिलने पर इतिहास में 84 गांव कहे जाने वाले बालेगढ़ में राजपूत समाज से लेकर कई समाज के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष दीपू गौर, विधानसभा अध्यक्ष कल्लू मिश्रा, विधानसभा उपाध्यक्ष किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नरेश गोयल व अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह की रिपोर्ट।